अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जनत राहिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कंप्लीट फेशियल। आज मैं आपको घर में एलोवेरा जेल से फेशियल करना सिखाऊंगी कि आप एलोवेरा जेल को यूज़ करके और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके कैसे घर में इजीली फेशियल कर सकते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं, जैसे कि नॉर्मल फेशियल के होते हैं वही इसके भी स्टेप्स हैं। और इसको करने से आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आपकी स्किन को ब्राइट करने में, लाइट करने में और फेयर करने में ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जिनकी स्किन पे ब्लैक हेड्स और एक्ने है उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है। फर्स्ट स्टेप है क्लेंजर। क्लेंजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा मिल्क। आपने रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध लेना है, उबला हुआ दूध नहीं लेना है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है और विटामिन्स होते हैं जो स्किन टोन को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क का ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही एलोवेरा जेल का ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल के स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। एलोवेरा जेल स्किन से सन बर्न को रिमूव करती है, स्किन से एक्ने को रिमूव करती है, इरिटेशन को रिमूव करती है और कूलिंग प्रॉपर्टीज रखती है, स्किन को सूथ करती है। तो ये ज़बरदस्त सा क्लेंजर रेडी हो चुका है। आपने अपने फेस और नेक पर जो है इस क्लेंजर से 5 मिनट तक मसाज करनी है और 5 मिनट के बाद आपने अपने फेस और नेक को लुकवार्म वाटर से धो लेना है। स्टेप 2 है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी। आपने कॉफ़ी यूज़ करनी है और इसको सिंपली इस तरीके से पीस लेना है। हल्का सा प्रेस करने से आपने इसको पीस लेना है। कॉफ़ी में कैफीन होती है, ये हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और स्किन टोन को भी लाइट करती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। मैं इसमें 1 टेबलस्पून शुगर का ऐड कर रही हूँ। शुगर भी जो है वो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में शुगर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। मैं इसमें 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल का ऐड करूँगी। एलोवेरा जेल के तो आपको बेनिफिट्स का पता ही है, आप यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ रोज़ वाटर। मैं इसमें 1 टीस्पून गुलाब का अर्क ऐड करूँगी। रोज़ वाटर जो है वो स्किन के पीएच बैलेंस को कंट्रोल करता है, स्किन से एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन से एक्ने को, रेडनेस को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये एक सिंपल सा और बहुत ही अमेजिंग स्क्रब रेडी हो चुका है। इस स्क्रब से आपने अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से मसाज करनी है 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद आपने इसको लुकवार्म वाटर से धो लेना है। स्टेप 3 है मसाजिंग क्रीम। मसाजिंग क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून हनी, शहद। हनी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, ये स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, ये एक्ने को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ ऑयल। मैं इसमें 1 टीस्पून रोज़ ऑयल का ऐड करूँगी। अगर आप रोज़ ऑयल ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी जगह विटामिन ई ऑयल ऐड कर सकते हैं। रोज़ ऑयल में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। मैं इसमें 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल का ऐड करूँगी। आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बस ये 3 सिंपल चीज़ें आपने मिक्स करनी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मसाजिंग क्रीम रेडी हो चुकी है। आपने इससे अपने फेस और नेक पर 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करनी है, और जब आप 5 से 10 मिनट तक मसाज कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको लुकवार्म वाटर से धो लेना है। नेक्स्ट स्टेप 4 पे है मास्क। मास्क बनाने के लिए आपको लेना है ग्राम फ्लोर बेसन। 1 टेबलस्पून बेसन का मैंने लिया है। बेसन आपकी स्किन से एक्ने को रिमूव करता है, स्किन टैन को रिमूव करता है, स्किन को वाइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। आपने 1 टीस्पून जो है वो नींबू का रस ऐड करना है। लेमन जूस में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है जो स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है टर्मरिक हल्दी। आपने कस्तूरी हल्दी यूज़ करनी है, किचन वाली हल्दी यूज़ नहीं करनी है। तकरीबन मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी का ऐड किया है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन को ग्लोइंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो एलोवेरा जेल का ऐड कर देना है। एलोवेरा जेल जो है आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। मैं इसमें इतना रोज़ वाटर ऐड करूँगी ताकि इसका एक सही कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बन जाए। रोज़ वाटर तकरीबन मैंने इसमें 1 से 2 टीस्पून जो है वो ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक ज़बरदस्त सा मास्क रेडी हो चुका है जिसके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपकी स्किन टोन को लाइट करने में
बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और क्लीन एंड क्लियर करेगा। आपने इस मास्क को अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने लुकवार्म वाटर से इसको धो लेना है। इस मास्क को 20 मिनट के बाद धो लिया है, आप मेरे दोनों हाथों में रिजल्ट देख सकते हो चारों स्टेप करने के बाद। अगर आपकी स्किन ज़्यादा डार्क है तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये एक बहुत ही बेस्ट फेशियल है आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर करने के लिए, उसके साथ साथ आपकी स्किन टोन को लाइट करने के लिए। इस फेशियल को आप 15 दिन में एक दफ़ा या वीक में एक दफ़ा ज़रूर करें। आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा और स्किन पे अगर एक्ने है या कोई भी निशान है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ भी मैं वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।